आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x। ओके, तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस वर्क ऑन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सबसे पहले हम डोमेन पे वर्क करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमें, है ना। ओके, तो देखिए डोमेन में हमारे पास दो रिस्ट्रेंट्स हैं। सबसे पहला रिस्ट्रेंट इज दैट 1 माइनस कॉस, देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले मैं ये बता देता हूं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमारा फंक्शन लिखा हुआ है ना। एंड वी नो दैट इन दिस फॉर्म क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। इसका मतलब 1 माइनस कॉस एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो और कॉस एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 1, राइट। ये हमें पहली चीज पता चल जाएगी, विच इंप्लाइज, अच्छा कॉस एक्स में एक्स की क्या क्या वैल्यू होती हैं व्हेन कॉस एक्स इज 1, है ना, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम ग्राफ उस चीज का देखें तो ये 0, पाई बाय 2, देन पाई, है ना, एंड देन वी हैव 3 पाई बाय 2, देन 2 पाई, तो बेसिकली इट इज एन पाई। एक्स इज इक्वल टू एन पाई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एक कॉस एक्स 1 नहीं हो सकता हमारा, है ना। हियर लेट मी राइट दिस, हियर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नॉट नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, एक्चुअली इंटीजर्स। ओके, तो फॉर एन टू बी एनी इंटीजर एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, हमारा डोमेन दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफोर डोमेन टेंड्स टू एक्स बिलोंग टू रियल नंबर माइनस यहां सेट में एन पाई, मतलब पाई की ऐसी वैल्यूज, हेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। अच्छा अब देखिए दूसरी चीज एक और यहां पे है, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, इट इज ये होल थिंग पूरा अंडर रूट में लिखा है, राइट, है ना, ये सारी चीजें अंडर रूट में लिखी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, ये दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो चलिए दूसरा भी देख लेते हैं क्या होगा, ऑल्सो 1 माइनस कॉस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, यही तो होगा, और कॉस एक्स, राइट, कॉस एक्स मस्ट बी, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, है ना, मतलब कि हमारा cos x का जो वैल्यू है इट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्या होता है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये तो ऑब्वियस है, cos x तो हमारा हमेशा 1 से नेगेटिव कम ही रहेगा, कभी ज्यादा तो हो नहीं सकता, है ना। सो दिस कंस्ट्रेंट गिव्स अस नथिंग, दिस कंस्ट्रेंट provides no extra reason, तो इसका मतलब ये constraint कोई बहुत important importance नहीं रखती है, x की चाहे जो value हो ये constraint हमारी break नहीं हो रही है, तो domain हमारी क्या आ जाएगी, ये, है ना। अब चलिए range की बात की जाए, range, तो range में अगर हम देखें वी नो दैट, इधर अगर हम देखें cos x के बारे में हम एक चीज जानते हैं, दैट इज cos x जो होता है हमारा इट इज ऑलवेज माइनस 1 से प्लस 1, इसकी रेंज तो यही होती है ना। अब हमें ये बताइए
लेट मी सब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, साइंस रिवर्स हो जाते हैं, -1। सो इट इज ऑल्सो बेसिकली द सेम थिंग। ये तो भाई सेम ही चीज आ गई, ऊपर वाली कोई खास फर्क पड़ा नहीं। तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूं इस तरीके से जैसे पहले लिखा हुआ था, है ना। नाउ लेट अस एड 1 टू इट। ओके, लेट अस एड अ 1 टू इट, एड +1। तो अब क्या हो जाएगा? अब देखिए हो जाएगा 1 माइनस 1, एड सब्ट्रैक्ट करने में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस 1, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स एंड दिस विल बी 2। मतलब ये वैल्यू 0 से 2 हो गई। अब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑल साइड्स, हर साइड में स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट करने पे क्या रेंज आ जाएगी? √0, √1 माइनस कॉस 2x एंड √2। ओके, अच्छा आप देखिए, सिंस दिस इज ऑल पॉजिटिव तो हम लोग इसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ये 0 भी पॉजिटिव ही है, 0 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो क्या आ जाएगा? 1/0, साइंस रिवर्स हो जाते हैं रेसिप्रोकल करते वक्त, √1 माइनस कॉस एक्स एंड साइंस रिवर्स 1/√2। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज, देखिए मैं रिवर्स कर रहा हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 1/√2, साइन ऐसे रहेगा fx एंड देन 1/0 इज इंफिनिटी, राइट। तो इसका मतलब रेंज हमारे क्वेश्चन में क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी हमारी fx बिलोंग्स टू इक्वल ब्रैकेट। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल ब्रैकेट हम क्यों हटा रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज इन्फिनिटी के बराबर कोई वैल्यू नहीं हो सकती, राइट। तो रेसिप्रोकल करते हो, इक्वल ब्रैकेट जरूर हटा दीजिएगा, क्लोज ब्रैकेट 1/√2, इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारी आ गई रेंज। सो दैट वॉज द क्वेश्चन गाइज, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड क्या आंसर था हमारा, है ना। इस चीज को मैं ऊपर मूव कर देता हूं सो दैट इजिली विजिबल। रेंज हमारी देखिए यहां लिख दी मैंने। ओके, सो दैट वॉज द क्वेश्चन गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।